एंड फाइनली बायोस्फीयर बायोस्फीयर इज जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ तो इन सभी जोन्स में या सभी लेयर्स में जो कार्बन है ये इस तरीके से सर्कुलेट होती है और इस कार्बन की सर्कुलेशन को हम बोलते हैं कार्बन साइकिल नाउ अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं और इनकी बॉडी में जो कार्बन है इसकी काफी ज्यादा कंटेंट प्रेजेंट होता है अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स हैं इनमें यहाँ पे सबसे ज्यादा कंटेंट होता है कार्बन का दे कंटेन अराउंड देउंडलीफाइव परसेंट ऑफ कार्बन इन देयर बॉडी और साइड देयर बॉडी तो इस तरीके से जो कार्बन है ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में भी प्रेजेंट है अर्थ में भी प्रेजेंट है जो डिफरेंट रॉक्स में और वाटर में भी प्रेजेंट है अब यहाँ पे अगर हम कार्बन साइकिल की बात करें तो सबसे पहले कार्बन साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन तो जो कार्बन डाइऑक्साइड uh, है अब इसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और जो प्लांट्स हैं और जहां हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स दो तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं अगर हम टेरिस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दे आर कॉल्ड द प्लांट्स एंड जो एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स हैं दे आर कॉल्ड द प्लांटॉन्स तो ये दोनों जो है, ये और हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और इसको आगे रिड्यूस करते हैं इनटू इन टू दॉलीक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं तो अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है ये प्रोड्यूसर्स में आ गई एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये कन्वर्ट होता है कार्बन कंपाउंड, विच इज बेसिकली और विच इज प्राइमेली द्लूकोज सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स दिस इज अ ग्लूकोज प्लस यहाँ पे सिक्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं अब यहाँ पे जो कार्बन है ये इस लेवल पे इसके रिडक्शन हो चुकी है एक मॉलिक्यूल में उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स है इनको अब कंज्यूम करते हैं डिफरेंट कंज्यूमर्स तो अब जो प्रोड्यूसर्स में कार्बन है ये कंज्यूमर्स में एंटर कर जाएगी अगर मैं बात करूं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली जो भी एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये यहाँ पे एक प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द ग्लूकोज तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो ग्लूकोज है इसकी अब यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी इन साइड चाहिए तो जो, जो भी प्लांट प्रोडक्ट है अब यूज कर रहे हैं तो सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे और जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है ग्लूकोज की तो ये ब्रेक होता है इन टू द मॉलिक्यूल सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है अब जो प्रोड्यूसर्स हैं इन्होंने क्या किया कार्बन को जो है और मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन किया या फिर और एटम्स के साथ कंबाइन किया और यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई उसके बाद इसको यहाँ पे कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया और कंज्यूमर्स ने फिर से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको फिर से ब्रेक किया तो मीन्स यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ये जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं इनमें एनर्जी स्टोर्ड है अब क्या हो रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो कंज्यूमर्स हैं ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं इन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं तो इनमें से जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको ये यूज करते हैं टू कंबाइन ए डी पी प्लस पी आई इन टू दी पी अब जो एटीपी है सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसी फॉर्म में एनर्जी को यूज कर सकते हैं मींस जो एनर्जी जो कि फोस्फेट बॉन्ड्स की फॉर्म में रिजर्व है इसको ये यूज कर सकते हैं जो कार्बन मॉलिक्यूल है इसमें जो भी एनर्जी स्टोर्ड है ये ट्रांसफॉर्म हो गई ए की फॉर्म में और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोबारा से एटमोसफेयर में रिलीज हो गया एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर में रिलीज करते हैं ये रिएक्शन हो गई उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं कई बार क्या होता होता है कि इनकी डेथ हो जाती है बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की तो जो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स जो हैं जो डायरेक्टली डीकम्पोजिशन में एंटर कर जाते हैं Decomposer, जो डीकम्पोजर्स हैं ये इनको फीड करते हैं और यहाँ पे दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और ये दोबारा से जो है ये एटमोस्फेयर में एंटर कर जाती है अब दूसरा यहाँ पे रिएक्शन ये है कि जो प्रोड्यूसर्स एंड एंड कंज्यूमर्स अगर इन इनकी मास डेथ हो गई या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर इनकी डेथ हो गई तो सभी तो डिकम्पोजिशन में नहीं जाएंगे तो जैसे कि अर्थ की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो जब से अर्थ की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे बहुत सारी मास हुई हैं मींस जो काफी लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स है, है तो जब भी मास एक्सटिंक्शन होती है तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस तो अब इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इस तरीके से डिपॉजिट होने लगते हैं सेडिमेंट की फॉर्म में और इसके ऊपर जब और सॉइल की लेयर्स इस तरीके से डिपॉजिट हो जाती हैं तो अल्टीमेटली ये कंप्रेस हो जाते हैं तो इस तरीके से जो हैं, हैं ये ये जब ये embedded हो जाते सेडिमेंट लेयर्स में और बहुत ज्यादा कंप्रेशन के बाद यहाँ पे इनसे फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन होती है प्लस यहाँ पे जो कार्बोनेटेड रॉक्स एंड डायमंड्स ये भी प्रेजेंट हैं अर्थ के लिथोस्फीयर में अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कार्बोनेटेड रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है तो हमें पता है कि जो एटमोसफियर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है अब एटमोसफेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है यहाँ पे और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है इज नेगेटिव नाउ ये जो कार्बोनिक एसिड है इट इज अ वीक एसिड तो ये एक एसिड की फॉर्म में है अब यहाँ पे तो जब ये एसिड की फॉर्म में अर्थ के सरफेस पे गिरेगा इन द फॉर्म ऑफ रेन तो यहाँ पे अर्थ में जितनी भी रॉक्स हैं इनकी वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी वैदरिंग मीन ये इस तरीके से टूटना स्टार्ट हो जाएंगे हो रही है तो इसे हम बोलते हैं तो अब ये, है, ये किसी भी मटीरियल के बने हो सकते हैं अगर ये कैल्शियम रॉक है तो यहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होगा मैग्नीशियम आयन रिलीज होगा अगर ये मैग्नीशियम रॉक है इसी तरीके से यहाँ पे सोडियम रॉक भी हो सकती है और, और कोई भी रॉक हो सकती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो डिफरेंट आयंस हैं ये रिलीज होते हैं इन रॉक्स में से जब इनकी वेदरिंग होती है अब ये जो डिफरेंट आयंस हैं मोस्ट ऑफ दी आयो ये वाटर स्ट्रीम के थ्रू रिवर्स के थ्रू जो है फाइनली ओशन में जाते हैं अब जो ओशन है ये एक वाटर बॉडी है और ओशन में भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि जो हाइड्रोस्फेयर है इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अब ओशन में है ये गैस की फॉर्म में तो नहीं रह पाएगी तो ओशन में क्या है वाटर है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगी तो यहाँ पे एक बायो आयन की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी विच इज एच सीओ थ्री नेगेटिव अब ये जो बायो आयन है ओशन में ये कार्बन को रिजर्व करता है और जितने भी यहाँ से ये आयन आ रहे हैं जब ये यहाँ पे बायो आयन के साथ जो है कंबाइन होंगे तो इससे डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी जैसे कि एक इनमें से है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज सी ए सीओ थ्री नेगेटिव तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब कैल्शियम आयन यहाँ पे बाई कार्बोनेट आइन के साथ कंबाइन होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी अब जो ओशन में बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके से डिपॉजिट होने लगता है और जो कैल्शियम के, कार्बोनेट है ये मोस्टली लाइम स्टोन की फॉर्म में डिपॉजिट होता है

तो ये जो जम्स है ये ओशन के फ्लोर पे इस तरीके से डिपोजिट होने लगते हैं अब हमने पहले ही देखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कार्बन का कंटेंट इनमें प्रेजेंट होता है तो इस तरीके से क्या होता है जब ये यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं तो फाइनली जब इनका बहुत सारा अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है तो ये एक रॉक की फॉर्मेशन करते हैं अब ये जो रॉक बन रही है इसमें भी कार्बन कंटेंट होगा बिकॉज ये यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मरने से बन रही है और जब वो डेड हो जाते हैं और डिपोजिशन होती है उनकी तो विदिन मिलियन ऑफ ईयर्स यहाँ पे रॉक की फॉर्मेशन होती है अब थर्ड मेथड क्या है कि जो ओशन है इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कार्बन को फॉर्म करते हैं जैसे अगर हम कोरल रीफ्स की एग्जाम्पल लें यहाँ पे तो तो जो कोरल रीफ्स हैं या फिर कोरल्स हम इनको बोल सकते हैं या फिर बहुत सारे जो फाइटो हो गए जो बहुत सारे शेल ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को सेक्रेट करते हैं अब जैसे मैं इंडिया में बात करूं तो जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल, कोरल आइलैंड है को करते हैं. तो जब इनकी बहुत में इस तरीके से डेथ होती है तो ये ओशन में इस तरीके से डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं और ये इतने ज्यादा डिपोजिट हो जाते हैं कि ये ओशन के जो सरफेस वाटर है इससे ऊपर इस तरीके से इमर्ज हो जाते हैं इन दम ऑफ आइलैंड तो यहाँ पे जो आइलैंड है अब ये एक सॉलिड रॉक की फॉर्म में है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का आइलैंड है और ये इस तरीके से वाटर के सरफेस से इमर्ज होता है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरल आइलैंड तो इस तरीके से भी जो रॉक्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है लेकिन यहाँ पे अब जो कार्बन साइकिल है इसमें दो साइकिल्स होते हैं एक तो है फास्ट साइकिल जो हमने पहले देखा दिस इज़ अ फास्ट साइकिल और जब यहाँ पे कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स की डेथ होती है इनकी फॉसिलाइजेशन होती है या फिर कार्बोनेट रॉक्स की फॉर्मेशन होती है तो इसे हम बोलते हैं स्लो कार्बन साइकिल इसमें बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है इनको बनने में जैसे फॉर एग्जांपल अब जो हम इस टाइम पे फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं विच आर दी कोल पेट्रोलियम ऑयल्स और अदर नेचुरल गैसेस ये मिलियन ऑफ इयर्स के जो इस तरीके के डेड डिपॉजिट्स हैं उनसे ये बना है जो अभी ऑर्गेनिजम्स डेथ जिनकी डेथ हो रही है जो डिपॉजिट हो रहे हैं ये मिलियन ऑफ ईयर्स में फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होंगे तो अब जो है इस तरीके से अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जब इन इनकी कम्बस्शन होती है या हम इनको जलाते हैं यूज करते हैं तो ये अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल्स किससे बने हैं कार्बन है और कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं इनमें तो दोबारा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर में चले जाएगी जब इनकी जो है इनको हम बर्न करते हैं या फिर इनकी कम्बशन होगी उसके बाद जितनी भी कार्बोनेटेड रॉक्स हैं अब जो कार्बोनेटेड रॉक्स हैं इनकी वेदरिंग भी हो सकती है वेदरिंग मीन्स इनका टूटना तो टूटना किसी भी कारण से हो सकता है फिजिकल वैदरिंग हो सकती है केमिकल वैदरिंग हो सकती है या फिर बायोलॉजिकल वैदरिंग हो सकती है और उसके बाद एक और चीज है कि जो हमारी अर्थ है यह टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनती है तो इस तरीके से पूरी अर्थ में बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं तो जहां पे ये वाला जो पोर्शन है जिस जगह जो जॉइनिंग होती है डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स की ये इस तरीके से जॉइन होती हैं तो ये डिफरेंट यहाँ पे ज़ोन्स बनते हैं ज़ोन ऑफ कन्वर्जेंस ज़ोन ऑफ डाइवर्जेंस ज़ोन ऑफ सबडक्शन सबडक्शन का मतलब है कि एक टेक्टोनिक प्लेट इस तरीके से और दूसरी इसके नीचे चली गई तो इससे क्या होता है कि ये जो यहां पे वीक ज़ोन एरिया है इसके सेंटर में तो वीक जोन एरिया जो होता है इसमें से जो मोल्टन रॉक है जो कि मैग्मा की, की फॉर्म में अर्थ के अंदर प्रेजेंट है और जो मेंटल में, में स्टोर्ड है ये मैग्मा की फॉर्म में और लावा की फॉर्म में यहां से बाहर आएगा तो इसे हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन हमेशा ही इन जोन से होती है जहां पे दो रॉक्स जो है ये ज्वाइन करती है या एक दूसरे से डाइवर्स करती है या फिर सबडक्शन होती है इनकी तो जो वोल्केनिक इरप्शन है इनकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि बहुत सारी गैसेस जो है एटमोस्फेयर में रिलीज होती है इनमें से एक गैस है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो इस तरीके से जो ये, जो जो कार्बोनेटेड रॉक्स है है जब ये के इरप्ट तो है, ये इरप्ट होंगी तो कार्बन इनमें स्टोर्ड एटमॉस्फेयर में दोबारा चला जाएगा अब यहाँ पे जो डायमंड है डायमंड इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इसमें कोई भी और एटम प्रेजेंट नहीं है इस मॉलिक्यूल में इसमें जो कार्बन है जब ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कंप्रेस होते हैं तो इससे डायमंड की फॉर्मेशन होती है इसमें इस तरीके से बहुत सारी कार्बन रिंग्स बनती हैं, साइक्लिक कार्बन रिंग्स सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड तो जब इस तरीके से ये कंप्रेस होती हैं अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है तो इसे हम बोलते हैं डायमंड हर जगह पे यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है

और एटमोसफेयर में ये कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और अगेन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये दोबारा से एटमोसफेयर में मूव कर जाएगी तो इस तरीके से जो जब भी हम डायमंड को बर्न करते हैं तो यहाँ पे इसका कोई भी ऐश नहीं बचता क्योंकि कार्बन ही है इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और ये दोबारा से एटमोसफेयर में चला जाएगा तो ये जो साइकिल है ये इस तरीके से रिपीट होता रहता है इस रेपिटेशन ऑफ साइकिल को हम बोलते हैं कार्बन साइकिल अब यहाँ पे जो कार्बन है ये एटमोसफेयर में और एटमोस्फेयर में हाइड्रोस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म में और जहाँ हम बोलते हैं बायोस्फेयर में इन सभी में ये बैलेंस्ड फॉर्म में है अगर ये यहाँ पे बैलेंस जो है एटमोसफेयर में हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर में जो कार्बन का बैलेंस है अगर ये डिस्टर्ब होगा तो ज्यादा अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमोसफेयर में चली जाएगी और हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट्स अ ग्रीन हाउस गैस तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये बहुत सारी हीट को ट्रैप करती हैं जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एयर में ये भी जो हीट है इसको ट्रैप करते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राइमरी गैस है जो कि एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है जो कि बहुत सारी हीट को ट्रैप करती है देन सी एफ सी हो गए मिथेन हो गया तो इस तरीके से डिफरेंट गैसेस हैं तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी तो इससे अर्थ का टेम्परेचर जो है ये राइज हो बहुत ड्रेस्टिकली राइज होगा तो उतने में लाइफ जो है सरवाइव नहीं कर पाएगी तो इस तरीके से नेचर ने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है कि कार्बन जो है ये हर एक फॉर्म में या हर एक लेयर में इसको स्टोर किया हुआ है और ये साइक्लिक फॉर्म में जो है ये इस तरीके से इमर्ज होती है पूरे एटमोस्फेयर में और इन सभी लेयर्स में जो कार्बन साइकिल है ये एटमोस्फेयर में कार्बन को रिलीज करता है थ्री वेज में एक तो है फास्ट कार्बन साइकिल देन स्लो कार्बन साइकिल एंड ह्यूमन इमिशन विच इज कॉज बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे स्लो साइकिल है ये वन ईयर में टेन रेस्टर थर्टीन से टेन रेस्टर फोर्टीन ग्राम्स ऑफ कार्बन को एटमोसफेयर में रिलीज करता है उसके बाद अगर हम ह्यूमन इमिशन की बात करें तो ह्यूमन एमिशन से टोटल 10 रे टू पर 15 ग्राम्स ऑफ कार्बन जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और अगर हम यहाँ पे फास्ट कार्बन साइकिल की बात करें तो इससे 10 रे टू पर 16 से 10 रे टू पर 17 ग्राम्स ऑफ कार्बन जो है ये रिलीज होता है ह्यूमन एमिशन ऑफ कार्बन है ये जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा बिकॉज ये तो जो फास्ट साइकिल और स्लो साइकिल है ये दोनों नेचुरल प्रोसेस हैं और जो ह्यूमन मैन मेड प्रोसेस है इट इज द्यूमन इमिशन ऑफ कार्बन सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन साइकिल इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइंड फाइन कंटेंट यूजफुल प्लीज आई कैन शेयर दी वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी ऑन अर्थ